नमस्कार दोस्तों, बिन मांगे ज्ञान ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट होगा एग्रीकल्चर बहाली से संबंधित और एटीएम बीटीएम बहाली से संबंधित, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, पूर्वी चंपारण जिला आत्मा द्वारा ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो चलिए, आत्मा जो है पूर्वी चंपारण के वेबसाइट पर चलते हैं, वहां से डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके आप लोगों को जो कार्यालय आदेश आया है उसको पढ़ के आप लोगों को सुना दे रहे हैं। और इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रहे हैं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो आत्मा जो है पूर्वी चंपारण का वेबसाइट पर विजिट करके वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। यह है एनआईसी का वेबसाइट, जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी। तो एनआईसी का आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ईस्ट चंपारण .nic.in। यहाँ पे देखिए ईस्ट चंपारण .nic.in, ये सर्च करिएगा तो आ जाएगा आपके गूगल में। तो सर्च कर लीजिएगा तो इस टाइप का जो है जिला का एनआईसी का ये होम पेज आपको शो करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मोर वाले ऑप्शन पे जाना है, और मोर वाले ऑप्शन पर जैसे आप लोग टच कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा नोटिस। नोटिस पे आप लोगों को टच करके फिर दोबारा जो है मोर वाले ऑप्शन पर जाना है, क्योंकि फिर बैक आ जाएगा। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट का ऑप्शन है, रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर आपको टच करना है। तो जैसे ही टच करिएगा नीचे आप लोगों को शो करेगा रिक्वायरमेंट में। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट अ ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर बीटीएम डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस ईस्ट चंपारण, ठीक है ना। ये 27/6 को अपलोड हुआ है एनआईसी की वेबसाइट पे, और यहाँ पे ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट ऑफ असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर एटीएम डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस ईस्ट चंपारण, ये हो गया। और नीचे एक और है ब्लॉक अकाउंटेंट का, तो यहाँ पे ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट ब्लॉक अकाउंटेंट डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस। तो यहाँ पे पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर वाला भी है, ऊपर वाला पीडीएफ बीटीएम वाला, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर डाउनलोड यहाँ से नहीं अगर कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं। चैनल का नाम है BAO एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम डाल दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो ड्राफ्ट लिस्ट निकला है इसके बाद फिर एक फाइनल लिस्ट निकलने वाला है नियोजन का, तो उसमें जो है दो लिस्ट बनेगा, एक नियोजन का और एक वेटिंग लिस्ट। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मोतिहारी में सेकंड में काउंसलिंग लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके बारे में दोस्तों बता देना चाहूँगा कि सेकेंड साक्षात्कार लिस्ट तभी आएगा जब वहाँ वेटिंग लिस्ट में दो गुना कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, तभी जो है कम पड़ेंगे, तो सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा काउंसलिंग साक्षात्कार के लिए। क्योंकि जिला भोजपुर में वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में दोगुना कैंडिडेट नहीं हो पा रहे थे, काफ़ी वहाँ कैंडिडेट ऑब्सेंट थे और कुछ फर्जी थे, इसके वजह से फिर दोबारा वहाँ पे काउंसलिंग 5 और 6 जुलाई को कराया जाएगा। तो ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है इस चंपारण में तो सेकेंड काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, नहीं तो फिर सेकेंड काउंसलिंग नहीं होगा पूर्वी चंपारण में। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए और एनआईसी का साइट विजिट कीजिए, करते रहिएगा आप लोग, क्योंकि अगर सेकेंड काउंसलिंग कराना होगा तो 1 हफ्ता के अंदर ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एनआईसी की वेबसाइट पे या जिला आत्मा के वेबसाइट पे आ जाएगा। तो आप लोग विजिट करते रहिएगा यहाँ पे एनआईसी की वेबसाइट में। तो दोस्तों, जो लोग टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं ज्वाइन किए हैं आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर जो भी नया अपडेट होगा एग्रीकल्चर बहाली से संबंधित और एटीएम बीटीएम में जो बहाली चल रहा है और लेखपाल का, तो इससे संबंधित, तो सबसे पहले उसका आप लोगों को अपडेट मिलेगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।